नमस्कार, TV27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। उत्तर प्रदेश की प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। यूपी में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फूट पड़ती दिखाई दे रही है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन को बड़ा झटका लग गया है। राष्ट्रीय लोक दल के बाद अब पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने भी अलग राह पकड़ ली है। अपना दल के अलग होने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब अपना दल कमेरावादी का साथ नहीं रहा। दर्शकों को बता दें कि अपना दल ने मिर्जापुर, कौशाम्बी, फूलपुर सीट गठबंधन में मांगी। वहीं जिस दिन अपना दल कमेरावादी ने इन तीनों सीटों पर दावा ठोका, उसी दिन सपा ने देर शाम मिर्जापुर से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। सपा से झटका लगने के बाद आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद अब सपा कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ ताल ठोकना शुरू कर चुके हैं। सपा ने नगीना सीट से मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद चंद्रशेखर अकेले मैदान में कूद गए। माना जा रहा था कि सपा उनके लिए नगीना सीट को छोड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने नगीना से सपा प्रत्याशी को उतारकर उन्हें झटका दे दिया। ऐसे में सवाल यह है कि यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले एक एक कर जिस तरह से इंडी गठबंधन में टूट हो रही है, सब अलग थलग दिखाई पड़ते हैं दिख रहे हैं, तो क्या इस तरह बिखरता विपक्ष बीजेपी और एनडीए को रोक पाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। तो इंडी गठबंधन में लगातार फूट पड़ती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया है, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी से अपना दल कमेरावादी पार्टी अलग हो चुकी है। हम 22 में साथ थे, लेकिन 24 में साथ नहीं है। हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो पल्लवी पटेल ने सपा से अपना नाता तोड़ लिया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि 22 में साथ थे, 24 में नहीं। 24 में वो कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में 17 सीटें कांग्रेस को ऑफर की है, जिसको लेकर दोनों के बीच में सहमति बन गई है। अब एक तरफ एनडीए का गठबंधन है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन। अब देखना होगा 2024 के चुनाव में जनता किसको समर्थन देती है, जनता किसको एक बार फिर से सत्ता पर बिठाती है, या फिर जो सत्ता में है उनको बाहर का रास्ता दिखाती है। फिलहाल ये तो चुनाव आने पर ही तय होगा, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन से जो राजनीतिक दल हैं, जो उनके साथी हुआ करते थे, वो धीरे धीरे कर अलग हो गए, और ऐसे में उनके लिए ये कितना बड़ा झटका होगा, और बिना उनके किस तरीके से अब चुनाव की रणनीति बनाएगी इंडिया गठबंधन। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू होने से पहले ही बीजेपी ने अपने कुछ प्रत्याशियों को ऐलान कर दिया था, लेकिन अभी भी इंडी गठबंधन में प्रत्याशियों के ऐलान पर चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है। बावजूद इसके अभी तक इंडी गठबंधन की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि आचार संहिता लग चुकी है, कब प्रत्याशियों का ऐलान होगा, चुनावी लिस्ट आएगी, जिसके बाद वो जनता के बीच में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, प्रचार की ताल ठोकेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव में प्रत्याशियों के उम्मीदवारों का ऐलान पार्टी के लिए एक बड़ा सबब बन सकता है नुकसान पहुँचने का। ये देखना होगा कि इन चीज़ों से किस तरीके से इंडी गठबंधन उबरती है और क्या रणनीति बनाती है लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने को लेकर। बिगुल बज चुका है लोकसभा चुनाव का, तारीखों का ऐलान हो चुका है, सभी दल अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में जो चुनाव प्रचार होना था वो सब हो चुका है। अब देखना होगा कि किस रणनीति के तहत इंडी गठबंधन चुनावी मैदान में उतरती है और क्या जनता का समर्थन उनको मिलता है। जिस तरीके से उनसे राजनीतिक दल अलग हो रहे हैं, ऐसे में ऐसा ना हो कि 24 में इन दोनों का साथ अकेला पड़ जाए और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है, एक तरफ यूपी में योगी सरकार है, 80 सीटों पर एनडीए गठबंधन आ रहा है, जहां पर निषाद राज पार्टी और तमाम छोटे दलों का साथ उनको मिल रहा है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश का ये सियासी गणित आगे राजनीति में क्या कुछ नया मोड़ लेकर आता है। फिलहाल इंडिया अलायंस में आज एक और टूट पड़ती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से अपना दल
कमेरावादी पार्टी अलग हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा क्या आगे क्या कुछ रणनीति इंडिया अलायंस बनाती है जीत को लेकर। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रदीप सिंह जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे, कुछ ही देर में उनका परिचय आपसे कराऊंगी। लेकिन फिलहाल प्रदीप सिंह से मैं आप सवाल करना चाहूंगी। 2022 में साथ थे, 2024 में नहीं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। इंडिया अलायंस में आज एक और टूट पड़ती हुई दिखाई दी। समाजवादी पार्टी से अपना दल कमेरावादी पार्टी अलग हो गई है। क्या लग रहा है एक एक कर चुनाव से पहले ये जो झटका लग रहा है, और अपना दल तो आपके साथ थी, पल्लवी पटेल ने कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसे में क्या लग रहा है इंडी गठबंधन की जो नाव है ये कहीं ना कहीं इसकी रफ्तार धीमी हो रही है लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि इस समय तो आपको मजबूती के साथ एकजुटता के साथ मैदान में होना था। देखिए, पहले बार तो हमारी आपत्ति है एनडीए और इंडिया, एनडीए में भी एनडीए का ये आप साइलेंट नहीं करती हैं, लेकिन इंडिया का ये आप साइलेंट कर देती हैं, हमें इस बात पर आपत्ति है। नंबर दो, आप जब बात कर रही हैं 2024 के चुनाव की, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से देश के नौजवान, देश के किसान, देश की आवाम ने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी दवाई, सिंचाई और शिक्षा पर। लेकिन रिपोर्ट कार्ड की सीमें तो आप पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी खेल है, न देश के प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोल रहे हैं, न प्रदेश के मुख्यमंत्री उस पर बोल रहे हैं। आज प्रदेश के मुखिया को बताना चाहिए था कि आपके कार्यकाल में नौजवानों का जो रोजगार की मांग करती थी, सारी की सारी मांग घोटालों से भेद कर गई, चाहे वो नर्सिंग भर्ती घोटाला हो, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो, इतनी भी मांग नहीं, सारी की सारी घोटालों से भेद करती। किसान जब आपसे अपना हक मांगने की बात करता है, अपना समर्थन मूल्य मांगने की बात करता है, और दिल्ली पहुंचा, दिल्ली के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं, बस उसके रास्ते में कीले बिठा दी जाती है, और इतना नहीं, उनको अराजक और आतंकवादी भी कहा जाता है। तो इतना नहीं, उनका गुंडा गृह राज्यमंत्री का बेटा उनके सीने पर गाड़ियां चलाता है, और सरकार गुंडे राज्यमंत्री के बेटे को समर्थन करती नजर आती है। जो निश्चित तौर पर देश का नौजवान इनसे हिसाब मांग रहा है, देश का किसान हिसाब मांग रहा है, महिला सुरक्षा पर जब ये बात करते हैं तो बजभूषण सिंह, कुलजीत सेंगर और सिंह मैदान को समर्थन करने वाले लोग महिला सुरक्षा पर बात नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, प्रदीप जी सुनिए, आपने बात कही कि देश का युवा हिसाब मांग रहा है, किसान हिसाब मांग रहा है, महिलाएं हिसाब मांग रही हैं, ये तो जनता तय कर देगी चुनाव में। आप अपनी बताइए ना, आप किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरेंगे? आपने तो अभी प्रत्याशी भी नहीं उतारे हुए हैं, तो मजबूती तो आपको दिखानी चाहिए ना, एकजुटता तो यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। वो अपना देख लेंगे क्योंकि वो अभी सत्ता में है, और योजनाएं जो भी चलाई हैं उनको लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। आप बताइए आप किन योजनाओं को लेकर, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? फिलहाल मुद्दे आपके पास नहीं है, एकजुटता आप में नहीं है, ऐसे में जनता क्या समझेगी? 10 साल अगर आप सरकार चला रहे हैं तो हिसाब तो आपसे लिया जाएगा ना, देश की आवाम। वो समय आने पर वो अपना हिसाब देते रहते हैं ना, वो अपना हिसाब दे रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है पिछले 10 साल में। जवाब तो पूरा जाना दीजिए, हम न्याय में हिस्सेदारी मांग रहे हैं, हम युवाओं के न्याय के लिए वादा कर रहे हैं, हम किसानों के न्याय की बात कर रहे हैं, हम नारी न्याय की बात कर रहे हैं, श्रमिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम 400 रुपए मजदूरी की बात कर रहे हैं, हम शहरों में रोजगार की गारंटी की बात कर रहे हैं, हम किसान के समर्थन मूल्य को कानूनी अमला फैलाने की बात कर रहे हैं, हम SC ST में आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम सही दाम की बात कर रहे हैं, कर्जा माफी आयोग लाने की बात कर रहे हैं, हम ये सारी बातें कर रहे हैं। और इसके लिए हमने हमारे नेता श्री राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर चले, और युवाओं, महिलाओं और किसानों को जो समर्थन उनके पास था, निश्चित तौर पर आप पे विश्वास हमारा है, हम जिन मुद्दों पर सवाल कर रहे हैं वो सवाल सही है, देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, देश के मुखिया को जवाब देना चाहिए। चलिए ठीक है, अशोक यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है सर। समाजवादी पार्टी से अब अपना दल अलग हो गई है, पल्लवी पटेल अलग हो गई है, वो पल्लवी पटेल जो कहती थी कि कुछ भी हो जाए मैं समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ूंगी, चल क्या रहा है आखिर ये? देखिए पूजा जी, चाहे इंडिया अलायंस हो या एनडीए का अलायंस हो, इस तरह की चीजें आपको दोनों गठबंधनों में देखने को मिलेंगी। अभी बिहार में आपने देखा पशुपति, लेकिन यूपी में एनडीए में तो ऐसा होता हुआ नहीं दिखा है। पहले राजभर आपसे अलग हो गए, उसके बाद जयंत आपसे अलग हो गए, उसके बाद चंद्रशेखर अलग हो गए, और अब पल्लवी पटेल ने भी आपसे नाता तोड़ लिया है।
पूजा जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इस आतताई सत्ता के सामने मजबूती से खड़े रहने का मादा सबका नहीं होता है। सभी लोग ओमप्रकाश राजभर जी की तरह नहीं होते कमजोर दिल वाले, कि सत्ता से डर के या कुछ लोभ में या मंत्री पद की लालच में चले जाएं। इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, विपक्ष में रहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और बहुत बड़ा साहस चाहिए। लेकिन ये जनता देख रही है कि इतनी बड़ी सत्ता के सामने अगर विपक्ष के हमारे नेता, हमारे साथ जो भी हैं, हमारे साथी मजबूती से खड़े हैं, तो जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। आज देखिए पूजा जी, अगर देखा जाए तो स्पष्ट रूप से इस देश में चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ बाइपोलर फाइट ही होने जा रही है, एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया, बीच में कौन सा घटक दल इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है, इससे कोई फर्क विशेष नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जनता जो जान रही कि इस पेपर लीक करने वाली सरकार को हटाना है उसको, जनता जान रही कि अग्निवीर जैसा अभिशाप देने वाली सरकार को हटाना है, जनता जान रही कि महंगाई बेरोजगारी देने वाली सरकार को हटाना है, तो उसको अगर इस सरकार को हटाने के लिए जनता को हमने एक इंडिया नाम का एक प्लेटफॉर्म दिया है और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता अपनी दुश्वारियों को दूर करने का मन बना चुकी है, तो उसको इस प्लेटफॉर्म को आशीर्वाद देना पड़ेगा, उसको अपना प्यार देना पड़ेगा जनता को। और जनता का प्यार हमें मिल रहा है, इस गठबंधन को मिल रहा है, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि जनता का प्यार तो आपको मिल रहा है, लेकिन आपके साथियों का प्यार ये आपको नहीं मिल रहा है, आपको नहीं लगता ये आपके लिए नुकसानदायक है? देखिए पूजा जी, मैं फिर बताऊं आपको, अब कुछ तो उसमें ऐसा होगा ना, जो सारे दल आपका साथ छोड़कर धीरे धीरे आपके आपसे अलग होकर वहां पर जा रहे हैं, तो कुछ तो होगा, जनता उनको पता होगा ना कि वहां पर उनके लिए चुनाव में सेफ माहौल है, इसीलिए जा रहे हैं। लेकिन इस बात से पल्ला झाड़ लेना कि जनता का समर्थन आपको मिल रहा है और सब में मादा नहीं होता है विपक्ष में रहने का, ये बात नहीं सही लग रही है। देखिए पूजा जी, आपको आपको बात सही लगने वाली बात तो मैं नहीं बोलूंगा, जो हकीकत वही बात मैं बोलूंगा। अब आपको क्या सही लग रहा है क्या नहीं सही तो लग रहा है, हकीकत से तो आप भी बच रहे हैं ना, हकीकत पे तो आप भी नहीं आ रहे हैं। देखिए पूजा जी, इसके पहले जिन जिन नेताओं ने गठबंधन को छोड़ा, चाहे हमारे नेताओं ने छोड़ा, सुनिए ना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो एक बार पहले भी साथ आ चुके हैं, तो उनको पता है पहले क्या हाल हुआ था, तो शायद वो उस स्थिति से बचना चाह रहे हैं, शायद इसीलिए छोड़ा गया आपका साथ। पूजा जी, आपको इस तरह के राजनीतिक समीकरण का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि 2014 के बाद से इस देश में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदला है और वो बदलाव आपको देखने को मिला, और 2019 की बात आप कर रही हैं, 2019 से अभी 5 साल हो गए और 5 साल में आप 5 साल पीछे की बात कर रही हैं, आपको ये नहीं दिखा होगा पूजा जी। 5 साल पीछे की मैं बात कर रही हूँ ना, तो उस 5 साल में आपके लिए तो ज्यादा कुछ बदलते हुए नहीं दिखा है। अखिलेश यादव सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बोलते हैं जहां पर उनको सांप्रदायिकता दिखाई देती है, अदरवाइज वो किन मुद्दों पर हाईलाइट हुए हैं, किन किसानों को लेकर वो सामने आए हैं, किसको लेकर वो सामने आए हैं? पूजा जी, आपको मैं याद दिला दूं, पेपर लीक वाला मुद्दा सांप्रदायिक मुद्दा है, अग्निवीर वाला मुद्दा सांप्रदायिक मुद्दा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा सांप्रदायिक मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी सांप्रदायिक मुद्दा है। ये सारे मुद्दे अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, विपक्ष के नेता लोग उठा रहे हैं, ये मुद्दों में आपको तो राम मंदिर के उसमें क्यों नहीं गए थे, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए थे ना आप लोग? फिर आप राम मंदिर पे आ गई। देखिए पूजा जी, हमें कहाँ जाना है, हमें किसकी पूजा करनी है, हमें कैसे पूजा करनी है, ये हम भारतीय जनता पार्टी, हमको सर्टिफिकेट उसे नहीं लेना है ना, हमें सर्टिफिकेट किसी की चाहिए, हमें किस भगवान की पूजा करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, ये तो हमारा विशेषाधिकार है ना, ये किसी दल की वजह से थोड़ी हम जाएंगे कि वो कहेगा कि आप वहां नहीं गए तो वहां चले जाए, हम वहां नहीं गए आप वहां नहीं गए वहां चले जाए। हमारी श्रद्धा है भगवान राम में, हमारी श्रद्धा है भगवान कृष्ण में, हमारी सब भगवानों में श्रद्धा है। आप इटावा में जाके देखिए कैसे हम लोग इतना बड़ा भगवान शिव का मंदिर बनवा रहे हैं, आप जाके देखिए किसी दिन, वहां पे जाइए कवरेज करने, और वो भी शिव मंदिर ऐसी जगह बनवा रहे हैं जो शिव शक्ति अक्षरेखा पर स्थित है, उसका पौराणिक महत्व है, और उसका जो निर्माण हम लोग करवा रहे हैं, मैं आपको बता दूं इसमें सीमेंट बालू का निर्माण, सीमेंट बालू या स्टील, इस तरह यानी कि मंदिर की राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना, फिर बीजेपी पे आरोप क्यों लगाते हैं? खैर, मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गई है, प्रियंका मौर्य हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब योगी सरकार का बहुत हो चुका है, क्योंकि महिलाओं को सम्मान नहीं मिला है, किसान अपना हक मांग रहे हैं, युवा परेशान हो चुके हैं, ना रोजगार मिल रहा है, पेपर भर्ती लीक हो रही है, अलग से सभी चीजों का हिसाब जो है 2024 में आपको देना पड़ेगा। देखिए समाजवादी पार्टी को क्या कहा जाए, पल्लवी पटेल की पार्टी से भी टूटा अब सपा का गठबंधन, अखिलेश जी ने खुद इसका ऐलान कर दिया है, ठीक है, तो ये तो महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये खुद नहीं अपनी पार्टी में किसी महिला को संभाल पा रहे हैं, खुद इनकी पार्टी में महिला को सम्मान नहीं मिल रहा है,
क्यों आखिर इनके पार्टी से लोग टूट टूट करके दूसरी जगह जा रहे हैं। ये इनके जो गठबंधन है, इंडी अलायंस है, उसमें कहते हैं कि ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ये अपने जो 26 लोगों का गुट है इनका, उसमें भी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। ना तो टिकट का इनका बंटवारा हो पा रहा है, ना तो इनके पास कोई नेता है, ना तो कोई नीति है जिसको ये फ्रंट लाइन पे रख करके कह सके कि हाँ भाई ये उम्मीदवार है जो लड़ेगा। तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी, चुनाव तो कई साल पहले होते थे साहब, अब तो मोदी को रोको प्रतियोगिता हो रही है, तो अब मोदी जी को रोकने की प्रतियोगिता कर रहे हैं ये सब जो जितने भी गुट हैं एक साथ मिल करके, लेकिन उसमें भी ये सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निरंतर लोगों के हित में कार्य करते रहती है, और उसके फल स्वरूप जनता भर भर के अपना प्यार और आशीर्वाद वोटों में परिवर्तित करके सबके सामने ले आती है। लेकिन अशोक जी का कहना है कि जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है और इस चुनाव में जरूर जीत हासिल करेंगे। लेकिन अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सीटों का बंटवारा कब होगा, प्रत्याशियों का ऐलान कब करेंगे? अब तो आचार संहिता भी लग गई है, कब ऐलान करेंगे? जितनी देरी होगी उतना नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। कब प्रत्याशी जनता के बीच में जाएंगे मुद्दों को लेकर? इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आपको नहीं लगता? प्रत्याशियों का घोषणा, चाहे हम आपसे पूछेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे प्रत्याशियों घोषणा कर दी? नहीं की। बिहार में क्या सारी घोषणा हो गई, महाराष्ट्र में हो गई, यूपी में सारी हो गई? आप यूपी की बात कीजिए ना, आप यूपी की बात कीजिए। उम्मीदवार है जिसका चेहरा साफ है, इनके पास कौन है? इनके इंडिया अलायंस है जिसका ये चेहरा सामने रख करके चुनाव लड़ने की तैयारी में है। देखिए, मैं बता दूं पूजा जी, हमारे पास जो भी चेहरा होगा प्रधानमंत्री पद का, वो कम से कम झूठ नहीं बोलेगा, वो देश को झूठी गारंटी नहीं देगा। वो देखिए, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि जनता ने प्रधानमंत्री बनाने प्रियंका जी, आपको आप महिला है तो कृपया सभ्यता से रहे, बीच में मत बोलिए। देखिए, मोदी गलत बात है, महिला है तो सभ्यता से रहे। ये अच्छा, चलिए ठीक है, प्रियंका जी मैं आपको मौका दूंगी, आपको पूरा मौका मिलेगा, आप बोलिएगा, लेकिन फिलहाल उनको बोलने दीजिए। गलत है, इनको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है, अशोक जी आप भी थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए पूजा जी, मैं ये इनको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई पुरुष प्रवक्ता रहता तो मैं उसके खिलाफ इसी तरह से बोलता, लेकिन ये महिला प्रवक्ता है, इसलिए मैं इनको निवेदन कर रहा हूँ कि इस तरह का मतलब आचरण न करें कि किसी के बीच में इंटरप्ट करें, ये जो है ठीक नहीं होता। चलिए ठीक है, आप बात पे आइए ना जी। मैं अपनी बात ये कर रहा था कि जो भी नेता होगा हमारा, कम से कम मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोलेगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा का नारा नहीं देगा और उसके बाद पीछे से देश को बेच देगा। इस देश में पेपर लीक जैसा काम इसी भाजपा सरकार में। अच्छा, पेपर लीक की बात आप बार बार कर रहे हैं, पेपर लीक आपकी सरकार में नहीं होते थे? कितने पेपर लीक के अभ्यर्थी को आपने पकड़ा है? यहाँ पर कार्रवाई तो हो रही है, कम से कम पकड़ कर जेल तो भेजा जा रहा है। पूजा जी, पेपर लीक के मामले में इस सरकार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। मैं मांग कर रहा हूँ, जितना पेपर लीक किसी योगी सरकार में हुआ आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी सरकार में नहीं हुआ इतना पेपर लीक। किसी सरकार ने इस देश के जो युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से 4 साल के टेका पे नहीं रखने का काम किया है। आप आजादी की बात से देखिए, हमारे युवा जो गांव गिराव में रहने वाले हमारे युवा थे, ये बेचारे जाते थे सेना की नौकरियों में, बकायदे फुल फेज नौकरी करते थे, उनके घर परिवार का पालन पोषण होता था। अलग योजना है, आप प्रत्याशियों पर आइए ना, आप अपनी बात पर आइए ना। हाँ, आप प्रत्याशियों की बात करिए, तमाम योजनाओं की बात आप कर रही थी, मैं योजना की बात कर रहा था। ठीक है, प्रत्याशियों की सवाल जहाँ तक है पूजा जी, हमारे जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा रहे हैं। हमारे जो भी प्रत्याशी, अब तक आपने देखा होगा प्रत्याशियों का बात आपको मैं बता दूं कि जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं जीतने के लिए आ रहे हैं। अच्छा। इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है, और हम प्रत्याशियों के सिलेक्शन में एक पूरा सिलेक्शन पैनल होता है सारा, उसको डेमोक्रेसी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की देखी जाती है, उसमें सब समीकरण देखा जाता है। ऐसे नहीं कि आनंद फानंद में हम सब प्रत्याशी उतार दें हर जगह 80-80 लोकसभा सीटों पे, एक प्रोसेस है, स्ट्रेटेजी के तहत हम लोग उतार रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस का जो जमीनी आधार यूपी में पहले हुआ करता था उसमें तो काफी कमी है, लेकिन इस बार जब आप समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं, इससे पहले तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ था, इस बार क्या लग रहा है, इस बार योगी सरकार और दूसरी तरफ आप, क्या समाजवादी पार्टी में साथ आने से और जो 17 सीटें आपको दी गई है, यह आपके लिए फायदे में रहेगा? देखिए, देश के नौजवान को क्या फायदा होगा इस पर संघर्ष हो रहा है, इस देश के किसान को क्या फायदा होगा इस पर संघर्ष हो रहा है, देश की महिलाओं की सुरक्षा पर क्या काम करते हैं इस पर संघर्ष होगा। और बात जब इन पर हो रही है तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तमाम बातें कही,
पेपर लीक में जब बात कर रहे हैं तो आप बताइए एक भी भर्ती बता दे जो घोटालों की भेंट लग रही हो। हमने कहा कि नर्सिंग भर्ती घोटाला एक, शिक्षा भर्ती घोटाला दो, नलको भर्ती घोटाला तीन, पुलिस भर्ती घोटाला चार, लगातार कोई भी भर्ती हुई हो कि घोटालों की भेंट लग रही हो उसको बता दे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए वो पांच चीजें बता दें जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल 10 साल के कार्यकाल में सस्ती हुई हो, उनसे ये पूछिए। अब जब ये जब सारे एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो बताएं कि एक टोल से दूसरे टोल की दूरी कितनी होनी चाहिए। 7 किलोमीटर ये सरकारी आंकड़ा है। 30 किलोमीटर पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में आप टोल लगा रहे हैं। सबसे बड़ा टोल घोटाला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में होता है। जब कानून व्यवस्था सुधर होगी तभी जाके उस प्रदेश का विकास होगा। यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि जेल से लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर तो दम भरती है ना बीजेपी। वीडियो वायरल करते हैं, अदालतों के अंदर एक आपराधी दूसरे आपराधी को गोली मारता है। प्रदेश के मुखिया सदन को ये जानकारी देते हैं कि पाउडर बरामद हुआ है जिससे पूरी विधानसभा ब्लास्ट हो जाएगी। आज तक न वो आरोपी पकड़ा जाता है न विवेकता आगे बढ़ पाती है। जिस कैबिनेट में आधे दर्जन प्रियंका जी सुनते रहिए आप, जवाब देना पड़ेगा आज आपको। हो रही है जी प्रियंका जी, आप सुन रही है ना, आप इस पर चर्चा हो रही है। आप बताइए, आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की सम्मान निधि पे जब आप बात कर रहे हैं तो आपने जो 6000 सालाना सम्मान निधि की बात की थी उसमें 59 लाख लोगों का नाम उत्तर प्रदेश में काट दिया गया है और ये आंकड़ा देश में 2,15,00,000 का है जिसमें 59 लाख किसान उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बोले क्या, आज किसानों का आय दोगुनी करने की बात की थी, आज इसकी यह है कि 27 रुपए प्रतिदिन किसान की औसत आय है। ये किसान की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है प्रियंका जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आपने सुना प्रदीप जी ने जो आरोप आप पर लगाए हैं? जनता पार्टी के नेताओं को देना होगा, मुझे ये बता दीजिए कि किस पार्टी से हैं, मुझे को देना होगा। देखिए पेपर लीक भर्ती मामले का वो आरोप लगा रहे हैं कि सबसे ज्यादा पेपर लीक योगी सरकार में हुए हैं। ये बात तो सच है कि यहाँ पर पेपर बाद में होते हैं, पेपर लीक पहले होते हैं। भले आप कार्रवाई करते हैं लेकिन पेपर लीक होने की नौबत ही क्यों आती है? युवाओं का जो भविष्य है उसके साथ तो यहाँ खिलवाड़ होता है, और जब खिलवाड़ होगा तो सवाल भी पूछे जाएंगे, और जब चुनाव नजदीक है तो हो सकता है आपको इसका खामियाजा भी उठाना पड़े। देखिए दुनिया भर की बातें करने वाले इनसे ये पूछिए जरा कि जब इन्होंने इतना कार्य किया और इनके समय में क्या होता था, इनके समय में गुंडागर्दी चरम। मैम पेपर लीक पर आइए ना, पेपर लीक भर्ती क्यों होती है? आए दिन कर्फ्यू लगते थे इनके समय में, किस तरीके से इनके समय में क्या पेपर लीक के इश्यूज नहीं होते थे? ये गलत उन्होंने जो किया जानता था, इसका जवाब उनको दिया, सत्ता से बाहर कर दिया है। अब सत्ता में आप हैं तो सवाल का जवाब आप देंगे? बोलने ही नहीं दिया जाएगा, दोनों लोग बोल नहीं, बोलिए आप। अगर इन्होंने इतना कार्य किया और इनके समय में इस तरीके की चीजें नहीं होती थी तो जनता ने इनको क्यों कुर्सी से उतार दिया? देखिए ये मोदी और योगी का साथ देने वाली जनता, इन्होंने अपने बेटे को या जायदाद। प्रियंका जी, प्रदीप जी बोल रहे हैं कि 5 ऐसे काम गिना दीजिए जो जनता के हित में रहे हो आपके कार्यकाल में, तो आप गिना दीजिए आज। महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य क्या? अब यहाँ आप बोलते रहिए या तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप बोल रहे हैं, पूछा उन्होंने, वो जवाब दे रही है, मौका दे नहीं रहे हैं, जवाब दीजिए ना। देखिए ये इस सरकार में तमाम योजनाएं निकाली जा रही है जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और इतनी ज्यादा आप जो बातें कर रहे हैं, अगर आपने इतना लोगों को लाभान्वित किया अपनी योजनाओं से के द्वारा, तो आखिर आपको जनता पूरे सिरे से क्यों नकार रही है? आप ये कह रहे हैं कि आपको समय लग रहा है क्योंकि आप चलिए ठीक है। अशोक जी एक आपसे मैं कमेंट चाहूंगी छोटा सा, एकला चलो की राह पर आप ही के दल के लोग अब चल रहे हैं, अब आप और कांग्रेस अकेले इसी इंडी गठबंधन के तहत यूपी में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आप पा रहे हैं? देखिए पूजा जी, हम लोगों का लक्ष्य यही है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, 80 हराओ अग्निवीर से छुटकारा पाओ, 80 हराओ पेपर लीक से छुटकारा पाओ, 80 हराओ महिला के साथ देश के पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण करने वाले को संरक्षण देने वाली सरकार को हटाओ, और 80 हराओ महंगाई बेरोजगारी हटाओ। इस पैटर्न पे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को
लेकर के हम लोग साथ में चल रहे हैं। अपने ही पार्टी की महिलाओं को न्याय नहीं दिला पाते हैं, जो लोग न्याय की बात करते हैं, जरा पूछिए इनको कि क्यों इनका गठबंधन टूट रहा है, पल्लवी पटेल जी की क्यों चली गई दूसरी पार्टी में, इतना महिलाओं का ठीक है, जनता सब देख रही है, जनता जनार्दन है और जनता सब कुछ देख कर ही अपना मत तय करेगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अशोक जी, प्रियंका जी और प्रदीप जी। तो सीटों को लेकर इंडी गठबंधन में कहीं ना कहीं तनाव देखने को मिल रहा है। पहले समाजवादी पार्टी से चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, ओपी राजभर अलग हुए और अब अपना दल कमेरावादी पार्टी की मुखिया पल्लवी पटेल ने भी किनारा कर लिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अकेले लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। अब देखना होगा कि जनता किसको कितना समर्थन देती है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, एनडीए है, तो देखना होगा कि एनडीए को या फिर इंडी गठबंधन को जनता का समर्थन मिलता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए टीवी 27 न्यूज़ के साथ।